तो एनिमल और प्लांट सेल के बेसिक स्ट्रक्चर को देखने के बाद अब हम एक एक करके सारे ऑर्गेनेल्स को समझेंगे। तो सबसे पहले न्यूक्लियस को देखते हैं। न्यूक्लियस जो है, इस न्यूक्लियस को केंद्रक भी कहते हैं हिंदी में। इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सेल न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। और हम लोग ये भी जानते हैं कि सेल सेल का डिस्कवरी जो रॉबर्ट हुक ने किया था, है ना। रॉबर्ट हुक अलग है, रॉबर्ट ब्राउन अलग है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये बेसिक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस जो होता है वो हमारे एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। न्यूक्लियस जो होता है उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का है। हम जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूड है, ये जो रेड कलर से जो फ्लूड दिख रहा है, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियस के बाहर का जो फ्लूड है, न्यूक्लियस के बाहर जो चारों तरफ फ्लूड रहता है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड एक ऑर्गेनिल होता है। दो मेम्ब्रेन से चारों तरफ से घिरा हुआ एक ऑर्गेनिल है ना। ये जो अंदर की ओर जो मेम्ब्रेन होता है इसको हम इनर मेम्ब्रेन कह देंगे, और जो बाहर की तरफ मेम्ब्रेन है इसको आउटर मेम्ब्रेन कह देंगे। तो ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के वजह से बीच में जो गैप है, ये जो गैप दिख रहा है, ये जो गैप आ जाता है, इसको हम न्यूक्लियस इनवेलप कह देते हैं। न्यूक्लियर इनवेलप कह देते हैं, जिसका कि थिकनेस होता है 10 से 50 नैनोमीटर। 10 to 50 नैनोमीटर इसका थिकनेस होता है। इसमें जो बीच में स्पेस है ये 10 से 50 नैनोमीटर का होता है, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो दिख रहा है, पहले भी हम लोग जानते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको न्यूक्लोलस कहते हैं, जिसको हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी कहते हैं, है ना। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी कहते हैं। ये न्यूक्लोलस एक न्यूक्लियस के अंदर एक हो सकता है या मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है। एक न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लोलस एक भी हो सकता है या मल्टीपल भी हो सकता है, बहुत सारा भी हो सकता है। और ये जो थ्रेड जैसा दिख रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये जो दिख रहा है, इसको हम क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है। इसी क्रोमेटिन में हमारा जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए होता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स डीएनए, वो डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इसी के अंदर इसी क्रोमेटिन में होता है। अब ये जो पूरा का पूरा सेल है, ये चारों तरफ से मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है ना, चारों तरफ से मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। अब मान लेते हैं यदि किसी चीज़ को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में आना जाना है, ठीक है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में आना जाना है, तो वो ये जो न्यूक्लियस है, ये जगह जगह पे, जब ऐसा करके न्यूक्लियस जो जगह जगह पे कुछ पोर बन जाता है, जब न्यूक्लियस ऐसे बनता है तो ये जगह जगह पे कुछ ऐसा पोर बन जाता है। मल्टीपल पोर हो सकता है, एक दो ऐसे करके बहुत सारा पोर हो सकता है। इसी पोर के थ्रू न्यूक्लियोप्लाज्म, हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म से कनेक्ट होता है। मतलब यदि यहाँ से कुछ मटेरियल बाहर जाना होगा तो यहीं से होके जाएगा, बाहर का कोई मटेरियल अंदर जाना होगा तो यहीं से होके जाएगा। मतलब न्यूक्लियर पोर जो है वो ट्रांसपोर्ट इसी के रास्ते से होगा, साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। अब इतना बेसिक स्ट्रक्चर समझने के बाद अब हम देखते हैं न्यूक्लियस के बाहर का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर मेम्ब्रेन में, जस्ट मेम्ब्रेन के, इनर मेम्ब्रेन के सटे हुए ऐसा चिपका हुआ, ये जो रिंग रिंग टाइप का हम बना रहे हैं, ये जो होता है, ये होता है न्यूक्लियर लैमिना। इसको कहते हैं न्यूक्लियर लैमिना। लैमिना ये किस काम में आता है? ये आता है न्यूक्लियर को एक शेप प्रोवाइड करने के काम में। न्यूक्लियस का जो एक शेप होता है उसको बांधे रखने के काम में आता है। ये कहाँ होता है? ये इनर मेम्ब्रेन के तरफ होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के इनर मेम्ब्रेन के तरफ होता है। और ये हमारा मेम्ब्रेन का पोर है, जो अभी जस्ट यहाँ बता रहे थे कि न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो इसी न्यूक्लियर पोर के थ्रू होगा। और ये भी हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक और ऑर्गेनिल होता है, ठीक है, जो न्यूक्लियस से अटैच होता है, वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी रफ वाला, मतलब RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको रफ क्यों कहते हैं? ये हम लोग पहले भी बताए थे। हम इसको रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियोलस के अंदर जो राइबोसोम्स बनता है, वो राइबोसोम्स जब इधर से निकलता है तो इसके वॉल पे आके चिपक जाता है, ठीक है, इसके वॉल पे आके चिपक जाता है, तो ये दाना दाना जैसा दिखता है, इसी वजह से ये रफ दिखाई देता है, इसीलिए इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं।
जितना भी यूकैरियोटिक सेल है उसके जो उसका जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या उस पर जो राइबोसोम्स होता है वो ATS का राइबोसोम होता है। S यहाँ पे इसका यूनिट है, ठीक है, इसका ग्रेड समझ लीजिए, S इसका ग्रेड है। तो ATS का राइबोसोम्स इसके सरफेस पे चिपका हुआ होता है, ठीक है, न्यूक्लियर लैमिना समझ में आ गया, राइबोसोम्स इस पर चिपका होता है। दूसरा बात कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये जो होता है ये कनेक्टेड होता है हमारे न्यूक्लियर इन्वेलप से, ये कनेक्टेड होता है हमारे न्यूक्लियर इन्वेलप से, न्यूक्लियर पोर से नहीं, न्यूक्लियर पोर से कनेक्टेड नहीं होता है ये, हमारे न्यूक्लियर इन्वेलप से कनेक्टेड होता है। न्यूक्लियर पोर से तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में, ये जो होता है न्यूक्लियर इन्वेलप ऐसे जैसे डायग्राम में बनाए हुए हैं ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, इसी से कनेक्टेड है हमारा RER, ठीक है। और यहाँ से जो हमारा प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन होता है, कुछ प्रोटीन न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में चला जाता है और कुछ प्रोटीन हमारा इधर से इसमें, हम लोग जानते हैं न्यूक्लियर पोर में बहुत सारा न्यूक्लियो इन्वेलप में बहुत सारा छोटा छोटा पोर होता है, तो इसके थ्रू ये इस पे RER पे आके इसके वॉल्स पे चिपक जाता है, ठीक है। तो इधर से साइटोप्लाज्म में भी हमको बहुत सारा राइबोसोम्स तैरता हुआ दिखाई देता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे भी हमारा तैरता चिपका हुआ दिखाई देता है। इसके ये तो हो गया पूरा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, है ना। अब न्यूक्लियस जो होता है इसको पूरे सेल का कंट्रोल हाउस भी कह सकते हैं, मतलब ये पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम करता है, क्योंकि जितना भी मेन एंजाइम्स है जो वो यहीं से सिंथेसाइजेशन होगा, उस एंजाइम का बनना, है ना, या फिर DNA मटेरियल वगैरह सब यहीं पे स्टोर होता है, इसीलिए इसको पूरे सेल का हम ब्रेन भी कह सकते हैं कि यहीं से सब कुछ कंट्रोल होता है। इसके अलावा कुछ बात और ध्यान रखना है, जैसे कि मैच्योर मेमल्स में, है ना, ये एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन मैच्योर मैमल RBC, मैच्योर मैमल का जो RBC होता है उसके अंदर ये न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। इसका दो एक्सेप्शन है मात्र, कैमल और कैमल जैसा ही एक जानवर है लामा, ठीक है, इन दोनों में एक्सेप्शन है, मतलब ये दोनों हमारा मैमल भी है मैच्योर भी होता है लेकिन इसके न्यूक्लियस के अंदर हमारा इसके RBC के अंदर न्यूक्लियस दिखाई देता है। नॉर्मल RBC क्या, रेड ब्लड सेल, है ना, रेड ब्लड सेल के अंदर जो मैच्योर हो जाता है रेड ब्लड सेल लगभग 40 दिन का समय में मैच्योर हो जाता है रेड ब्लड सेल, तो रेड ब्लड सेल के अंदर मैच्योर रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं दिखाई देता है, जबकि प्री मैच्योर रेड ब्लड सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इतना सा बात हम लोगों को ध्यान रखना है न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद है ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।